जय हनुमान। स्वागत आप सभी का जेईई मेन 2024 के सेकंड सेशन यानी अप्रैल सेशन की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आज है। हालांकि गवर्नमेंट ने दो दिन लास्ट डेट को बढ़ा दिया है और जैसा देखा कि स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है और जो क्रेज इंजीनियरिंग को लेकर के इस साल दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट्स का, खासकर यूनिक कैंडिडेट का, वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में करीबन 3 to 4 lakhs ही कैंडिडेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ईयर करीबन 11,60,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है और भरने वाले एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले 2023 के अंदर कैंडिडेट 12,30,000-12,40,000 के आसपास थे, लेकिन इस बार वो जस्ट 3 lakh के आसपास बढ़ चुका है क्योंकि 15 lakh यूनिक कैंडिडेट क्रॉस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये यूनिक कैंडिडेट बिल्कुल सही हैं या फिर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक ही एप्लीकेशन नंबर के बाद सेकंड एप्लीकेशन दोबारा से नए एप्लीकेशन नंबर से भर दिया है, ये अब बहुत बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। आप सभी को पता है कि जेईई मेन 2024 के अंदर फर्स्ट सेशन यानी पहले सेशन का जो एग्जाम हुआ उसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट करीबन 12,31,000 के आसपास थे, जो कि एनटीए का कोड डेटा है। लेकिन जब देखा गया कि दोबारा से फॉर्म भरने के लिए अप्रैल रजिस्ट्रेशन को ओपन किया गया, जो कि 2nd February से अब 4th March यानी आज लास्ट डेट पे जा रहा है, 3 lakh के आसपास यूनिक कैंडिडेट अलग से बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये 3 lakh बच्चे वो हैं जिन्होंने जेईई मेन जनवरी के लिए फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उनका एप्लीकेशन नंबर 240320 से आ रहा है। अब डिलेमा की बात और कंफ्यूजन की बात ये दिखाई दे रही है, क्या ये 3 lakh बच्चे एड ऑन हुए हैं वाकई में जिन्होंने पहले जनवरी जेईई मेन नहीं दिया, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर चेंज करके वही बच्चा भरेगा जिसने जेईई मेन जनवरी के लिए अप्लाई किया नहीं और नए एप्लीकेशन की तरह फ्रेश कैंडिडेट की तरह भर रहा है, या फिर इसमें से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एप्लीकेशन नंबर जनवरी में भर दिया किसी मिस्टेक के कारण या फिर कोई भी डेटा उनको चेंज करना था इस कारण से उन्होंने जेईई मेन 2 का फॉर्म एज ए फ्रेश कैंडिडेट भर दिया, क्या ये डेटा क्लैश होने वाला है और कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी दो एप्लीकेशन नंबर भरने के कारण यानी जेईई मेन का 240310 और जेईई मेन जनवरी सेशन के बाद अप्रैल सेशन का 240320 से एप्लीकेशन भर दिया और एक कैंडिडेट है और दो फॉर्म भर दिया और दो फॉर्म भरने के कारण अलग अलग डेटा होने के कारण अलग अलग एप्लीकेशन नंबर होने के कारण उसकी 2 ऑल इंडिया रैंक आ रही होगी। हालांकि इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर 3 lakh बच्चों को हम 12,31,000 के अंदर कैलकुलेशन में लेके जाते हैं, क्योंकि अभी सुबह तक का फिगर है कि 3,06,000 यूनिक कैंडिडेट हो चुके हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नंबर 240320 से एज ए फ्रेश कैंडिडेट भरा है और 12,31,000 पहले भर चुके हैं, तो ये 15 lakhs क्रॉस हो चुका है डेटा, लेकिन ये डेटा एग्जैक्टली सही नहीं होगा। हालांकि हमने ये भी देखा था कि जनवरी जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट 14 lakhs के आसपास थे, उनमें से केवल जो एक्चुअल फॉर्म भरा जिन्होंने फीस पेमेंट करी वो 12,31,000 से करीबन 1,70,000 एप्लीकेशन नंबर एक्स्ट्रा जनरेट हो गए थे जेईई मेन जनवरी में, लेकिन अब ये जो एप्लीकेशन बड़े हैं 3 lakh के आसपास जो एप्लीकेशन नंबर में यूनिक कैंडिडेट की तरह काउंट हो रहे हैं, तो क्या 15 lakh हो गया? ऐसा नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि कई बच्चे हमें ऐसे दिखाई दिए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नंबर जनवरी में 240310 से भर दिया और उन्होंने वापस से कैटेगरी चेंज करने के कारण, स्टेट सेंटर चेंज करने के कारण या और भी किसी अनअवेयरनेस के कारण या फिर ये कह सकते हैं कि अननेसेसरी डबल एप्लीकेशन भर दिए, दूसरा एप्लीकेशन फ्रेश कैंडिडेट की तरह भर दिया और एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया, लेकिन उसमें से भी ये आप मानिएगा कि 3,06,000 अगर एप्लीकेशन नंबर 240320 से जनरेट हो चुके हैं तो मिनिममली इसमें से अगर हम 70,000 बच्चों को भी हटा दें जिन्होंने किसी मिस्टेक से एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया या फिर फीस पे नहीं करी, कोई भी रीजन हो सकता है, तो भी 2,30,000 के आसपास ऐसा फिगर पहुंच रहा है जो वाकई में नया एप्लीकेशन नंबर फीस पेमेंट करने के बाद जनरेट कर चुका है। लेकिन इसमें से भी करीबन ऐसा दिखाई दे रहा है कि 40,000 के आसपास, 30-40,000 के आसपास ऐसे बच्चे आराम से हो सकते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नंबर जनवरी में दूसरा भर दिया, उसके बाद में वही बच्चा है यूनिक कैंडिडेट की तरह उसने एप्लीकेशन नंबर जबर भर दिया, इन बच्चों के डेटा फैच ना होने के कारण 2 ऑल इंडिया आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। अभी तक जो हमने देखा था पिछले सालों में भी, पिछले 5 साल की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जेईई मेन जनवरी के बाद जब यानी सेशन 1 के बाद सेशन 2 का एग्जाम होता था तब 30 था, तब करीबन सेशन 1 के बाद सेशन 2 का एग्जाम होता था तो करीबन 2 lakhs के आसपास ही मैक्सिमम ऐसे रजिस्ट्रेशन होते थे जो यूनिक कैंडिडेट की तरह काउंट होते थे, लेकिन इस बार वो फिगर 1,06,000 अभी तक बढ़ चुकी है और अभी तो आज लास्ट डेट 10:50 यानी अभी भी कई घंटे बचे हुए फॉर्म भरने के लिए। तो क्या ये यूनिक कैंडिडेट पूरा एक्चुअल है? जी नहीं, ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूं कि अगर आप में से भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं
क्योंकि हमारे पास ऐसे कई सारे बच्चों के कॉल आए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर अभी भी आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैटेगरी चेंज करने के कारण केवल और केवल एप्लीकेशन नंबर दोबारा दूसरे एप्लीकेशन नंबर से भर दिया, जनवरी छोड़ के अप्रैल में नया रजिस्ट्रेशन कर दिया एज ए फ्रेश कैंडिडेट, उन सबको मेरा सजेशन है, मैं बिल्कुल फाइनल सजेशन दे रहा हूं क्योंकि अब इसके बाद लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, उन सबको मेरा सजेशन है, अगर आपने ये गलती करी है कि आपने जनवरी में एग्जाम दे दिया है और जनवरी में एग्जाम देने के बाद आप किसी भी रीजन से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, वाइस वर्सा आपने कैटेगरी पहले ओबीसी ईडब्ल्यूएस भर दी और आपको लग रहा है आप सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे, आप जनरल भरना चाहते हैं, आप सभी के पास में करेक्शन का ऑप्शन एनटीए ने दे दिया है। 6 और 7 मार्च को आप वेबसाइट पे अपने पुराने एप्लीकेशन नंबर से उसी एप्लीकेशन में कैटेगरी को कम से कम करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए बच्चों अगर आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करेक्शन, खासकर मैं कैटेगरी करेक्शन कारण कह रहा हूं क्योंकि ये बच्चे बड़ी तादाद में हैं जिनके फोन आए थे और जो कांटेक्ट में भी हैं, आपने अगर एप्लीकेशन नंबर नया जनरेट कर दिया तो प्लीज आप पुराने एप्लीकेशन नंबर से ही फॉर्म को दोबारा अप्लाई कर दें, नए एप्लीकेशन पे एग्जाम मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी दो एप्लीकेशन नंबर होंगे, दो ऑल इंडिया रैंक आएगी तो ये अननेसेसरी गवर्नमेंट के डेटा रिकॉर्ड में जाएगी और एनटीए इस बार स्ट्रिक्ट है काफी चीजों को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि यार दो एप्लीकेशन नंबर को क्लियर उन्होंने बोल रखा है कि अनफेयर में वो काउंट कर सकते हैं। इसलिए यार प्लीज अगर आप में से कई कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने खासकर कैटेगरी चेंज करने के कारण एप्लीकेशन नंबर नया जनरेट करके भर दिया है, सबको मेरा सजेशन है कि यार पुराने एप्लीकेशन नंबर पे आप एग्जाम का फॉर्म भर दो, नए एप्लीकेशन अगर आपने भर भी दिया तो उस पे एग्जाम मत देना, ज्यादा अच्छा ये रहेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो डेटा फैच नहीं होगा, आप एक कैंडिडेट की दो ऑल इंडिया रैंक आएगी, और मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि 3,06,000 बच्चे अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर चुके हैं, इसमें से करीबन 2,30,000-40,000 तो आराम से ऐसे बच्चे जिन्होंने फीस पे कर दी, 70,000 में मैक्सिममली काउंट करके चल रहा हूं जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, जिन पे या तो फीस जमा नहीं होगी या किसी रीजन से वो जब उनको पता चलेगा तो वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 2,30,000 भी बहुत बड़ा फिगर होता है जो यूनिक कैंडिडेट अगर कैलकुलेशन में काउंट हो रहा है, उनमें से कई बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं, नंबर्स में ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही बच्चे ने दो दो एप्लीकेशन नंबर भर दिए हैं। आप में से अगर कोई ऐसा है जो केवल स्टेट चेंज कर रहा है कि भैया स्टेट चेंज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसे भी बच्चे कांटेक्ट में आए थे कि यार स्टेट चेंज नहीं हो रहा, सेंटर चेंज नहीं कर पा रहे, सिटी तो हो रही है लेकिन स्टेट चेंज नहीं कर पा रहे, उन्होंने नया एप्लीकेशन भर दिया, यार उनको मेरा सजेशन है भैया ऐसा मत करिए, आप पुराने एप्लीकेशन नंबर पर फॉर्म को भर दीजिए, क्या होगा दूसरे स्टेट में जाकर एग्जाम ही तो देना, लेकिन क्यों अननेसेसरी दो ऑल इंडिया रैंक लेने का कारण हम बने, ये करीबन भी स्टूडेंट 30,000-40,000 हो सकते हैं ऐसा, क्योंकि जब नंबर्स 3,06,000 तक पहुंच चुका है जो कि पहली बार हिस्ट्री में देखा है कि 15 लाख बच्चे जेईई मेन का एग्जाम अगर दे रहे हैं क्या, क्योंकि 12,31,000 पहले दे चुके हैं, थोड़ा ये डेटा कैलकुलेशन में समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक ही एप्लीकेशन नंबर पे, सॉरी एक ही कैंडिडेट यूनिक कैंडिडेट ने दो दो एप्लीकेशन नंबर अलग अलग भर दिए जनवरी और अप्रैल के, और उनकी दो ऑल इंडिया रैंक आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था 2023 में कई ऐसे केसेस हमारे पास रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक आने के बाद आए थे, जो बच्चा एक था लेकिन दो एप्लीकेशन भरने के बाद कारण उसकी दो दो ऑल इंडिया रैंक आई थी और कैटेगरी वाले बच्चों की दो दो कैटेगरी रैंक आई थी, जिससे कंफ्यूजन आगे की काउंसलिंग के राउंड्स में बन जाता है। तो गाइस यार इस चीज का ध्यान रखो, लास्ट डेट आज है, प्लीज आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा अभी भी मिस है जेईई मेन सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए तो प्लीज आज वो रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि उसके बाद वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। सेशन 2 का अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप सेशन 1 और 2 के अगर एक साथ फीस पे कर चुके हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका फीस सबमिटेड है। लेकिन अगर आपने फ्रेश कैंडिडेट की तरह सेशन 2 में अप्लाई कर दिया तो जो मैंने अभी कंफ्यूजन बताया आपको कि ये बन जाएगा आगे जाकर के, प्लीज यार इस कंफ्यूजन में आप अपने दो दो एप्लीकेशन नंबर पे डबल डबल कैंडिडेचर एक ही काउंसलिंग के अंदर दो यूनिक कैंडिडेट होकर एक यूनिक कैंडिडेट होकर दो ऑल इंडिया रैंक पे नहीं आइएगा तो अच्छा रहेगा। विश ऑल द बेस्ट, कमेंट बॉक्स में फिर भी लिखना क्योंकि मुझे आपकी क्वेरीज का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।